हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक, आज का केस इतना बड़ा है कि मेरा कैमरा में नहीं आ रहा है, तो चलो अभी भी फीवर ठीक नहीं हुआ है, तो फिर भी मैं सोचा मेरा जो फॉलोअर्स है, व्यूअर्स है, उनके लिए एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि ये वीडियो मैं नहीं बनाता, फिर भी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इस सीरीज़ का मैंने वीडियो एक भी नहीं डाला था, इसीलिए। तो आज का टॉपिक है MSI 970 गेमिंग के ऊपर, ठीक है। इसका रिविजन है, मैं बोल दूँ, यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक सेकेंड कहाँ गया, ये वाला दिख रहा है MS 7693, इसका रिविजन 4.2 है। तो ये बोर्ड आया है 2 दिन पहले मेरे पास, तो जब भी ये बोर्ड आया है तब से मैं जब पावर दिया पहले तो देखा इसका कुछ प्रॉब्लम था अलग सा, सोचा शेयर कर दूँ, थोड़ा सा काम आएगा। तो इसका जो PWM IC है, यहाँ पर लाइट का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ख़राब है, देख सकते हो ये चेंज किया हुआ है। तो जब भी बोर्ड को मैं पावर दे रहा था तो इसका PWM जो IC है, कोर IC, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, लेकिन एक सेकंड उंगली रखा तो मेरा उंगली जल गया यहाँ पर, ठीक है, दिखा यहाँ पर जल गया, देखो स्पॉट हो गया। तो 2 दिन होल्ड किया था इसका PWM IC ढूंढने में, 2 दिन लग गया मैनेज करने में। तो मेरा एक किसी फ्रेंड्स का ब्रादर से मैंने मैनेज किया। तो जब मैंने इसका PWM IC को चेंज किया, तो पहले जब कंडीशन था इसका PWM IC ख़राब था, तो बोर्ड ऑन हो रहा था, लेकिन डिबग कार्ड पे 00 कोड था और कोड का कोई वेरिएशन नहीं था, और PWM IC बहुत ही हीट हो रहा था। तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया पहले, PWM IC का वेट कर रहा था कब मिलेगा। तो जब PWM IC मिला तो उसे चेंज किया, तब मैं वीडियो बना रहा था, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इसे जब मैंने चेंज किया तब ये हीट होना बंद हो गया, लेकिन कोड 00 पे अटका हुआ था, इसलिए मैंने तब का वीडियो नहीं बनाया। इसका मॉडल नंबर मैं बोल रहा हूँ अभी, इसका जो PWM IC का मॉडल नंबर है, मैं एक सेकंड में देख लेता हूँ पहले, इसका जो मॉडल नंबर है, इसका UP1601 IP इसका मॉडल नंबर है। तो मैं किसी से मंगवाया, क्योंकि मेरे पास नहीं था और ऑनलाइन में अभी नहीं मिल रहा था, मैंने ट्राई किया। तो जब मैंने इसको चेंज किया, तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप काम करते हो तो ऐसा बोर्ड कभी ना कभी आएगा, और ऐसा प्रॉब्लम के साथ भी आ सकता है, तो तब ये वीडियो को याद कर लेना और रिपेयर हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल बोर्ड को मैंने रेडी किया है, लेकिन बहुत टाइम लग गया, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। करीब 2 दिन से पड़ा है, 2 दिन से दिख रहा हो थोड़ा थोड़ा करके, और करीब जाके 8-10 घंटा देने के बाद, 3 दिन में 8-10 घंटा वो टाइम वेस्ट करने के बाद फ़िलहाल ये बोर्ड रेडी हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या था मैं बताऊँ, जब इसका PWM IC मैंने चेंज किया तब बोर्ड चल रहा था और ये IC हीट नहीं हो रहा था, लेकिन 00 कोड था। तो फिर मैंने सोचा क्या करें, तो नेक्स्ट स्टेप इसका जो होता है, तो मैंने देखा CPU इसका हीट हो रहा है, तो CPU हीट हो रहा है और डिस्प्ले आउट नहीं हो रहा है। तो पहला बेसिक जो काम होता है BIOS करना, देख सकते हो ये BIOS थोड़ा सा फुला हुआ है, मैंने 2-3 बार रीड्राइट किया इसको, तो मैंने इसको BIOS 2-3 बार ऐसे करके रीड्राइट किया, वर्जन चेंज कर करके, फिर भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और बाद में जाके इसका जो मेन जो इसका जो इसमें जो इनविल BIOS था, वो ओरिजिनल BIOS, वो ही डाल दिया, फिर तब भी कोई सलूशन नहीं मिला। तो ये बोर्ड पहले भी कहीं पे रिपेयर हो चुका था, मुझे पता नहीं था, क्योंकि ये जो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये जो नॉर्थ ब्रिज है, ठीक है, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ, मैं खोल लेता हूँ यहाँ पर,
खोल लिया, चलो खोल दिया, एक सेकेंड, देख सकते हो आप, पास से दिखा दूं मैं, इसका जो नॉर्थ ब्रिज है, इस ब्रिज को मैंने जब भी एक दिन को खोला तब देखा यहाँ पर बहुत सारा पेस्ट लगा हुआ है। तो पहले ये बोर्ड डिपेयर हो चुका था, पहले कैसे भी हुआ था पता नहीं मुझे, तो तब से लेके चल रहा था, लेकिन नेक्स्ट जब प्रॉब्लम हुआ तब कोई रिपेयर नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं दिया गया, तो सीधा मेरे पास भेजा गया। तो तब जाके मैंने इतना पेस्ट देखा तो मैंने तब भी समझ लिया, तो मेरा PWMC गया, ये कोई काम का नहीं रहेगा, ये इसका ब्रिज का ही इशू है और ख़राब हो गया है, और ब्रिज की वजह से ही ये PWMIC ख़राब हो चुका था पहले। तो मैंने पहले इसे आधा घंटा से हिट किया थोड़ा थोड़ा करके और थिनर से क्लियर किया, इसके अंदर से बहुत सारा पेस्ट बाहर निकल रहा था और वो एकदम घटिया किस्म का पेस्ट था, एकदम नॉर्मल वाला जो रोजोन होता है ना, वो हार्डवेयर के शॉप में मिलता है, वो रोजोन देके किसी ने पहले हिट करके बोर्ड को रेडी किया था। और इसका अगर आपका बोर्ड चल रहा है, BTT इशू है, तो कोर नहीं बन रहा है, तो इसका फंडा यहाँ पर है, बोर्ड में दिया गया है, तो यहाँ पर ही कोर बोर्ड जनरेट होता है, BTT जनरेट होता है इस MOSFET के थ्रू, तो वो प्रॉब्लम तो नहीं था, तो बोर्ड में सब कुछ बन रहा था, CPU हीट हो रहा था, कोर BTT बन रहा था, लेकिन डिस्प्ले नहीं आउट हो रहा था। और इस बोर्ड में देख सकते हो आप, कोई भी VGA या HDMI पोर्ट नहीं है, HDMI पोर्ट नहीं है, ये डायरेक्टली ग्राफिक्स कार्ड से चलता है, क्योंकि गेमिंग सीरीज का मदरबोर्ड है ये। तो तब जाके मैंने बहुत टाइम लेके इस ब्रिज को हिट किया और अंदर से जो पेस्ट बाहर निकल रहा था उसे थोड़ा थोड़ा करके क्लीन किया थिनर से, तब जाके जब मैंने इसे ठंडा किया फिर से, तब जाके मैंने जब पावर दिया तो बोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है। तो ब्रिज का इशू था और PWMIC तो ख़राब ही था, तो PWMIC ख़राब क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इसे चेंज करने के बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रहा था, तो फिर जाके मैंने BIOS को रीप्रोग्राम किया, देख सकते हो आप, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। तब जाके मैंने इस हीट सिंक को खोला और फिर देखा बहुत सारा पेस्ट लगा हुआ है, तो पहले कई भी जगह पर ये रिपेयर हो चुका था, तो अब सक्सेसफुली मैंने इसको रेडी कर दिया है। अब गेमिंग बोर्ड का एक रूल्स होता है, जो अगर रिपेयर हो जाए तो आराम से वो चल जाएगा, आपको 1-2 साल चल सकता है, 6 महीना 1 साल, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, और अगर नहीं रेडी हुआ तो चलो गया भैंस पानी में। तो चलो हीटसिंक को लगा के एक बार देख लेते हैं, अगर आपके पास भी ऐसा कोई बोर्ड आए तो CPU हीट हो रहा है और बोर्ड में डिस्प्ले नहीं है, तो पहला स्टेप आप BIOS को रीप्रोग्राम करें एक बार, और BIOS को रीप्रोग्राम करके भी बोर्ड रीस्टार्ट हो रहा है तो वो BIOS समझ लेना कि वो BIOS सपोर्टेड नहीं है, और अगर रीस्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई भी कोड आके थोड़ा सा कोड आके रुक रहा है, तो फिर समझ लेना कि वो BIOS भी सही नहीं है, तो जेन्युइन BIOS डालना पड़ेगा आपको, और अगर जेन्युइन BIOS डालने के बाद भी अगर डिस्प्ले नहीं आए तो कृपया करके ये जो नॉर्थ ब्रिज है इसका हीटसिंक को थोड़ा सा ओपन करें और इसको अच्छे से बोथ साइड से हीट करें, नीचे और ऊपर दोनों साइड से हीट कर दे थोड़ा थोड़ा करके, मेरे ख्याल से ये बोर्ड रेडी हो जाएगा। ये गेमिंग सीरीज का बोर्ड में ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन किसने छेड़खानी कर दी तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर आपके पास फेशर कोई बोर्ड आए जो नो डिस्प्ले है या फिर नो पावर है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम एक बार देख लेंगे कि बोर्ड में डिस्प्ले अभी आ रहा है कि नहीं। रेडी करके रखा था लेकिन कभी कभार होता है ना, बिगड़ जाता है, बहुत सारा केस ऐसे होता है। सुबह रेडी, रात को रेडी किया, सुबह जाके डिलीवरी करने से पहले ऑन किया, फिर बोर्ड नहीं चल रहा है, ऐसा होता है। तो हम भी एक बार देख लेंगे कि ये चलता है कि नहीं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि
सीखने को कुछ आपको ही मिलेगा। मैं तो सीखने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप सीखने के लिए अगर रेडी हो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा मेरे सारे फॉलोअर्स और व्यूअर्स से, मेरा वीडियो अपलोड होने होता है मैक्सिमम रात 2 बजे के बाद में, अपडेट सक्सेसफुली होता है अपलोड, तो 2 से 3 बजे तक मेरा 10 और 15 व्यूज हो जाता है। वो 10 और 15 जो व्यूअर्स है इतने रात को भी मेरा वीडियो देखते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर कभी भी आपको कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करना, जितने भी चाहे मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो कोशिश करूँगा आपका पूरा हेल्प करने की। और हेल्प तो मैं सभी को करता हूँ, लेकिन ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो इतने रात को 3 बजे तक मेरा वीडियो देखते हो आप। इसलिए अगर कुछ सीखने को मिले तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि तो ये बोर्ड नॉर्मली ऑन नहीं होगा, नॉर्मली डिस्प्ले नहीं आएगा, तो इसको कैसे दिखाओ यार, इतना बड़ा बोर्ड है मेरा पैट पे नहीं आ रहा है। चलो हटा देता हूँ इसको, एक ग्राफिक्स कार्ड डालना पड़ेगा फिर जाके ये डिस्प्ले आउट होगा। तो इसको एक ग्राफिक्स कार्ड में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, और ग्राफिक्स कार्ड के पोर्ट पे मैं VGA को लगा रहा हूँ, किसकी, क्योंकि इस बोर्ड में कोई VGA पोर्ट या फिर HDMI पोर्ट नहीं है, तो मैंने ग्राफिक्स कार्ड को लगा दिया, देखते हैं नीचे में कुछ है कि नहीं, इसके वजह से भी बोर्ड ख़राब होता है। तो देख सकते हो आप मैंने ग्राफिक्स कार्ड को लगा दिया, तो दिखा नहीं पा रहा हूँ यार, ये देखो ग्राफिक्स कार्ड लगा दिया मैंने, ठीक है, और डिबग कार्ड को भी लगा के रखा है, पर इस साइड घुमा देता हूँ तो दिखेगा आप लोगों को, मैं इस साइड घुमा लेता हूँ। इतना बड़ा बोर्ड है आ ही नहीं रहा है डेस्क पे, चलो देखते हैं बोर्ड पावर देखे। चलो बोर्ड को स्विचिंग करते हैं, चलो कर दिया, कोड वेरिएशन हो रहा है, ग्राफिक्स कार्ड चल रहा है, सीपीयू का फैन भी चल रहा है, और डिस्प्ले आ चुका है मेरे ख्याल से, आ चुका है, कीबोर्ड मैंने नहीं लगाया, एक कीबोर्ड भी लगा देता हूँ। चलो डिस्प्ले इसका आ चुका है, कीबोर्ड पे आप देख सकते हो इसका डिस्प्ले सक्सेसफुली आ चुका है, और मॉनिटर भी आ चुका है। तो एक बार मैं इसे रीस्टार्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्टर डेल, रीस्टार्ट कर दिया और डेल प्रेस कर रहा हूँ, इसको बास में घुसता हूँ, चलो ये घुस गया इसके बास में, देख सकते हो कितना शानदार इसका बायोस है, क्योंकि गेमिंग सीरीज का मदरबोर्ड है 970 गेमिंग सीरीज। तो ये बोर्ड चल रहा है अभी, कोड AB पैट का हुआ है, मतलब डिस्प्ले सक्सेसफुली आ चुका है, आप देख सकते हो कितना अच्छा बोर्ड है ये। तो फिलहाल तो ये बोर्ड मैंने रेडी कर दिया है, कोई बात नहीं, तो ये अब बिंदास चलेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि गेमिंग मोड अगर एक बार रिपेयर हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, तो चलता है, बहुत दिन चलता है। नॉर्मल बोर्ड होता तो शायद 1 महीना 2 महीने के बाद जाके प्रॉब्लम होता। तो एक बार रिस्टार्ट करके भी देख लेते हैं, चलो रिस्टार्ट कर दिया, कोड का वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले जा चुका है देख सकते हो आप, और फिर से आ जाएगा। फिर से आ गया, ये चल रहा है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, अगर कुछ सीखने को मिले और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आज के लिए बस इतना ही, लव यू ऑल, जय हिंद।